हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को हैंड रिटन सिंप्लीफाइड मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियो और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की हो, अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज चेक इट आउट। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। लेट्स सी JSTL XML टैग्स। इस टैग्स का टैग का यूज करके हम XML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारे XML डॉक्यूमेंट में XML डेटा के साथ JSP का यूज करके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो अब हम ये टैग का यूज कर सकते हैं। ये बहुत सारे टैग्स अवेलेबल है XML टैग पर, उसके लिए हम जब JSP फाइल क्रिएट करते हैं तब एक स्पेसिफिक URL होती है जो JSTL XML टैग के यूज करने के लिए बनाई जाती है। उसकी सिंटैक्स है scriptlang tag @ tag lib uri http://java.sun.com/jsp/jstl/xml scriptlang tag close। ये सिंटैक्स हमें हम कोई XML फाइल रन कर रहे हैं तो उसमें ऐड करनी होगी। उसके बाद दिस इज द बेसिक JSTL XML टैग। एक्स आउट यूज टू एक्स पाथ एक्सप्रेशन, हमें एक्स पाथ एक्सप्रेशन शो करना हो तब हम यूज कर सकते हैं। एक्स पेयर्स, हमें कोई भी डेटा बॉडी टैग में एक्सप्रेस करने हो तब हम यूज कर सकते हैं। एक्स सेट, कोई भी डेटा या कोई भी पाथ की एक्स पाथ की वैल्यू हमें सेट करनी हो तब हम यूज कर सकते हैं। एक्स चूज, कोई कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तब हम चूज कर सकते हैं। एक्स वैन, कोई कंडीशन जो वो कंडीशन ट्रू है तो उसे बॉडी टैग में इवेल्यूट करने के लिए एक्स वैन कंडीशन होती है। एक्स अदरवाइज, हमने चूज ऑपरेशन का यूज करके कोई कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म किया और वो कंडीशन फॉल्स है तो एक्स अदरवाइज यूज कर सकते हैं, और ट्रू है तो एक्स वैन यूज कर सकते हैं। एक्स इफ, कोई इफ एल्स वाली कंडीशन या ट्रू या फॉल्स वाली कंडीशन चेक करनी है तो एक्स इफ कंडीशन का एक्स इफ टैग का यूज कर सकते हैं। एक्स ट्रांसफॉर्मेशन यूज्ड इन अ XML डॉक्यूमेंट पर प्रोवाइड द XSL रिलेटेड कुछ भी काम करना हो तब हम ये टैग का यूज कर सकते हैं। एक्स परम, कोई भी पैरामीटर XML स्टाइल शीट में ऐड करना हो या सेट करना हो तब हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें ये आप देख सकते हो, ये जो सिंटेक्स है जो मैंने पहले बताई थी यहाँ पे वो ऑलरेडी ऐड की हुई है। उसके बाद यहाँ पे HTML बॉडी टैग में ये XML फॉर्मेट में ही लिखा जाता है जिसमें सेट करके एक प्रीफिक्स लिया है। पहले तो प्रीफिक्स लेके यहाँ पे एक वेरिएबल सेट किया है, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर टैग में वो यहाँ पे जो वेरिएबल वी सेट कराया वहाँ पे ये कॉल किया हुआ है। सिंपल एग्जांपल है। थैंक यू।